चलिए शुरू करते। हाय दोस्तों, आज फिर हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं अपने इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन, मतलब माध्यमस्थ और सुलह में क्या अंतर है, क्या विभेद है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, माध्यमस्थ की भांति सुलह भी पक्षकारों के विवाद को निपटाने का एक बहुत बढ़िया साधन है। आज हम इन दोनों में अंतर बताएंगे कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, कि दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों का हम विवेचना करेंगे। दोनों ही विवादों को निपटाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों, हम अब अंतर बताएंगे। सबसे पहला अंतर यह है दोस्तों कि जो आर्बिट्रेशन होता है, जो माध्यमस्थ होता है, उनमें जो पार्टीज होती हैं, उनके बीच पहले से ही एक एग्रीमेंट होता है, एक माध्यमस्थ उनके बीच एक करार होता है कि माध्यमस्थ द्वारा उनके विवाद का निपटारा किया जाएगा और वह ऐसा करने के लिए आपस में सहमत होते हैं। परंतु जो कॉन्सलेशन की प्रक्रिया होती है, जो सुलह की जो प्रक्रिया होती है, उनके पक्षकारों के बीच ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता। यह एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। अगर हम कॉन्सलेशन को देखें दोस्तों, तो कॉन्सलेशन में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कॉन्सलेशन हित, मतलब सुलह हित आमंत्रण भेजता है और तब सेकेंड पक्षकार के पास एक विकल्प रहता है कि उसको चाहे स्वीकार कर ले या उसे स्वीकार न करे। तो दोस्तों, हम दोनों ने देखते हैं कि जो आर्बिट्रेशन होता है, उनमें पार्टीज में पहले एक एग्रीमेंट होता है और कॉन्सलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। कॉन्सलेशन एक सरल प्रक्रिया है। अब चलते हैं दोस्तों हम सेकेंड अंतर पर। सेकेंड अंतर यह है दोस्तों कि यह जो कॉन्सलेटर होता है, जो सुलहकर्ता होता है, उसका कार्य मुख्यतः यह होता है कि वह पक्षकारों की आपसी सहमति से अपने विवाद में निपटा लेने में सहायता करता है। वह यह सोचता है, जो कॉन्सलेटर होता है, कि जो पार्टीज हैं, वह अपने में विवाद को सुलझा ले, वह इसमें क्या करता है, सहायता करता है। यह कहा गया है सेक्शन 62 में। और इसके अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों आर्बिट्रेशन की, जो आर्बिट्रेशन होता है उसमें जो पार्टीज होती हैं उनको जो निपटाते हैं वो क्या करते हैं, केवल सहायता ही नहीं करते अपितु उसमें क्रियाशील मतलब एक्टिव रहकर उस आर्बिट्रेशन की कार्यवाही का संचालन करते हैं तथा उसमें जो पंचायत होता है वो उसमें अपना निर्णय देते हैं। तो जो कॉन्सलेशन होता है वह सरल प्रक्रिया होती है, उसमें कॉन्सलेटर का कोई ज्यादा रोल नहीं होता, बट जो आर्बिट्रेटर होते हैं उनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। बात करते हैं दोस्तों अगले डिफरेंस की। जो सुलह कार्यवाही होती है उसके अधीन जो पक्षकार होते हैं, वह सुलहकर्ता से यह निवेदन करते हैं कि वह जो जानकारी उसे दे रहा है, जैसे एक पक्षकार जो सुलहकर्ता को जो जानकारी दे रहा है, वह उस जानकारी को कहीं पब्लिकली उसका पब्लिकेशन न करे, उसकी गोपनीयता, उसकी सीक्रेसी बनाए रखे। बल्कि अगर हम माध्यमस्थ की बात करें तो उसमें किसी पक्षकार द्वारा दी गई विवाद से संबंधित जानकारी बनाए रखने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। मतलब अगर देखें दोस्तों तो अंतर यह निकलता है कि कॉन्सलेशन में एक पक्षकार जो कॉन्सलेटर को जो जानकारी देता है उसे कहता है कि आप इसे इसकी आप सीक्रेसी बनाए रखिए, वहां पे उसका वह कर्तव्य होता है वह उसकी सीक्रेसी बनाए रखिए। बल्कि आर्बिट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। अब बात करते हैं अगले डिफरेंट की दोस्तों। कॉन्सलेशन द्वारा विवादों या मतभेदों का निपटारा पार्टीज द्वारा स्वयं किया जाता है तथा जो सुलह करता है वह उसमें केवल एथेंटिक करता है, उसे वो सिर्फ एक प्रमाणिकता का बल प्रदान करता है। और अगर इसके विपरीत अगर हम आर्बिट्रेशन की बात करें तो जो पंचायत होता है वह केवल सेटलमेंट एग्रीमेंट न होकर मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षरित कर दिए जाने पर न्यायालय की डिग्री पर अपनी स्टेटस को प्राप्त करता है। तो दोस्तों अगर हम सरल अर्थों में देखो, जिसका मतलब यह निकलता है कि ये जो कॉन्सलेशन होता है वह कैसे होता है, वह जो पार्टीज होती है वह अपने आप में मामले को निपटा लेती है और जो कॉन्सलेटर होता है उसका बहुत छोटा सा काम होता है सिर्फ उसे एथेंटिक करना। बट अगर हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन की तो उसमें जो आर्बिट्रेटर होते हैं उनका एक महान रोल होता है और न्यायालय की डिग्री हो जाने पर वह अपने स्टेटस को प्राप्त करता है। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों अगले अंतर की।
तो जो कॉन्सिलेशन की कार्यवाही होती है वह एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार को सूचित करके लिखित घोषणा द्वारा एक तरफा समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों जैसा कि आपने सही सुना है कि यह जो कॉन्सिलेशन की कार्यवाही होती है एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को सूचित करके लिखित घोषणा के द्वारा कॉन्सिलेशन की कार्यवाही को रिपील मतलब उसका समाप्त किया जा सकता है, बट माध्यमस्थ में कार्यवाही को इस प्रकार से समाप्त नहीं किया जा सकता। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कॉन्सिलेटर होता है उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, कुछ उसकी नियोग्यताएं होती हैं जो इस अधिनियम की धारा 80 में दिया गया है कि वह विवाद से संबंधित माध्यमस्थ या जुडिशियल प्रोसीडिंग या फिर किसी आर्बिट्रेटर या परामर्शदाता के रूप में भाग नहीं ले सकता। बट जो आर्बिट्रेटर होते हैं जो माध्यमस्थ कार्यवाही में भाग लेते हैं उनके लिए ऐसी कोई क्वालिफिकेशंस नहीं दी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम माध्यमस्थ की कार्यवाही या पंचाट को किसी न्यायिक कार्यवाही के साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दोस्तों हाँ दोस्तों आपने सही सुना, जो माध्यमस्थ की कार्यवाही होती है वह किसी पंचाट को या फिर किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में आप एविडेंस के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, बट कॉन्सिलेशन की कार्यवाही को आप किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में एविडेंस के रूप में आप प्रयोग या प्रस्तुत या साबित नहीं कर सकते। यह कहा गया है आपका सेक्शन 81 में। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट डिफरेंट की। लास्ट डिफरेंट में जो सुलह करता है वह अपनी कार्यवाही में विधिक नियमों से बाध्य नहीं होता। कितना आसान होता है दोस्तों कॉन्सिलेशन, ये जो कॉन्सिलेटर होता है वह अपनी कार्यवाही में जो लॉ के रूल होते हैं वह उनसे बाउंडेड नहीं होता, बट जो आर्बिट्रेटर होता है वह अपनी माध्यमस्थ कार्यवाही जो पंचाट की विधि के प्रावधानों के अनुसार उसे संचालित करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर हम देखें एक टोटल अगर कंक्लूजन निकाले तो यही निकलता है जो आर्बिट्रेशन होता है, जो आर्बिट्रेटर होता है वह विधि के नियमों द्वारा बाउंड होता है, उसमें ला द्वारा जो प्रक्रिया दी गई है उसे अपनाना पड़ता है, और जो कॉन्सिलेशन होता है एक सरल सा प्रक्रिया है जिससे कि पार्टी अपने में इनका निपटारा कर सके। थैंक यू दोस्तों।